जल्दी जल्दी निकलते हैं, क्योंकि 4 बजे का टाइम था. गेस व्हाट, 6 बज गए हैं, ऑलवेज लेट. तो मैं भी तुम्हें तंग कर. Assalamualaikum everyone, this is me Hira Faisal and welcome to my YouTube channel. सबसे पहले आप सबसे भी कहूँगी मुझे बर्थडे विश करें फटाफट से, जल्दी जल्दी से. और मैं अपने आप को भी विश कर देती हूँ, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी. बस बस इतना काफ़ी है. और जैसा कि आपको बताया था प्रीवियस ब्लॉग में कि आज हम लोग जा रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए. जो भी बहनों को ट्रीट देनी है, यू नो वॉट, हर कोई कान पकड़ के ट्रीट मांगता है. तो कुछ मैंने अपनी फ्रेंड्स बुलाए हुए हैं, फैमिली है, और हम एक जगह जाके भी रेडी होने लगे हैं. जो मेरा ड्रेस है वो मैंने इस तरह से कर लिया, अभी आपको वेयर करके एक्चुअल में दिखाती हूँ कि ये किस तरह का लगेगा ड्रेस. और अभी मैं मेकअप करने लगी हूँ, मेकअप करके आपको अपनी बर्थडे लुक दिखाती हूँ. और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे. फिर आपको अपना केक दिखाती हूँ जो मैंने स्पेशल कस्टमाइज रेडी करवाया, उसके साथ कुछ गिव अवेज है, कुछ गुडीज है, जो भी गेस्ट आएंगे उनको मैं दूंगी. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. मैं रेडी होकर आपको दिखाती हूँ. सो गाइज, दिस इज माई फुल 2024 है ना, अभी 2024 बर्थडे लुक. आपको कैसी लगी डू कमेंट मिलो. और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्या थीम रखूँ, क्या थीम रखूँ, जो भी मिला ब्लैक ब्लू मिक्स हो गया. और अब हम लोग चलते हैं, केक इकट्ठा करते हैं, जो जो चीज़ें रखनी थी वो रखते हैं. और अभी जो है ना वीडियो बना रही है आपने मुझे से सरप्राइज दिया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आई एम गुड. बर्थडे मैचिंग की है, बताओ मैं कैसी लग रही हूं. बहुत प्यारी लग रही हो सच में. ये हम दोनों ऐसे लग रहे ट्विनिंग की हुई है, हल्की आंच पे, सम सॉर्ट ऑफ ट्विनिंग. यस, हल्की आंच पे. बर्थडे गिफ्ट मेरा जो पेंडिंग है वो जाके लेती हूं. आई बर्थडे गिफ्ट भी था. मैं कहा मेरा आने से वाले गिफ्ट हो गया यार. वो हाफ गिफ्ट था ना, वो तो मिडनाइट वाला था, वो गिफ्ट मिल गया. मेरे आने की कोई वैल्यू ही नहीं है गाइस, मेरे आने की कोई वैल्यू ही नहीं है. मुझे बड़ी खुशी हुई है. और ये वाला बैलून मैंने अपने साथ रखा हुआ है. हाँ, मैंने ये स्टॉलर लिया हुआ है, बैलून रखा हुआ है अपने साथ मैचिंग के, इकरा कॉल के साथ प्रॉपर मैचिंग. अभी तो मेरा तुमने केक देखना, मैं बोल के आप लोगों को डिजिटल के केक दिखाती हूँ. और हम लोग अभी लेट्स गो होते हैं, सब रेडी हो रहे हैं और हम लेट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा. लेट्स गो. ओके गाइस, तो ये है मेरी बहन फातिमा की लुक. और जो कि अपना ब्लॉग देख रही है कि भी पोस्ट हुआ है कि नहीं हुआ. कैसी लग रही हूँ? मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि मैं कैसी लग रही हूँ. मुझे कोई रिव्यू दो, मुझे कोई रिमार्क्स दो तुमसे. तुम्हारा बर्थडे है. अच्छी लग रही है. हाँ, यहाँ पे एक चीज देखी है. चलो जा यहाँ से. क्या है मुझे बता, अभी बता दो क्या है. बख्श दूंगी तुम्हें. मैं आके खुलवाऊंगी तुम्हें. मैं अभी इस पे रेट डालने लगी हूँ. आप क्या कहते हैं, खोल दिया जाए या नहीं? जब तक उनके पास ये ब्लॉग तुम्हारा पहुंचेगा मेरा भी अपलोड हो जाएगा, इससे तुम खोल रही होगी. फिर भी मुझे इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी है ये देखने के लिए कि भी इसने क्या मुझे दिया क्या है. दे क्या सकते हैं गिफ्ट में. फातिमा इधर शूज वगैरह चेंज करती फिर रही है. सो लेट्स गो. हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी. ओके गाइस, सो ये है बर्थडे का सरप्राइज. ये नहीं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कुकीज़ हैं और इसमें स्पेशल कस्टमाइज मैंने एच लिखवाया है ताकि लगे कि जो जो मेरी बर्थडे पार्टी में मेरी खुशी में शरीक हो रहा है मैं उसको एक गिफ्ट दूँ. ठीक है, फैमिली मेम्बर्स और जो भी फ्रेंड्स होंगे उनको. अब मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ अपनी केक की. सो लेट्स गो. वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैं तो हूँ. अरे भी खुल जाओ सही से. सो दिस इज माई केक. इसके ऊपर मैंने लिखा है एक्वेरियस पे भी और यहाँ पे काफ़ी और चीज़ें लिखी हैं. ये सब चीज़ें ना आपको जाके अच्छे से दिखाऊंगी. और अभी हम लोग बस निकलते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी. और पापा जी आप रेडी नहीं हुए, जाना नहीं है? पापा कह रहे मैं ऐसे ही रेडी हूँ. सो भाई निकलते हैं हम लोग. ऑलरेडी इतना लेट हो गया, इन सब को ऊपर से उतारे नीचे ताकि हम लोग जल्दी जल्दी निकले. जल्दी जल्दी निकलते क्योंकि 4 बजे का टाइम था. गेस व्हाट, 6 बज गए हैं, ऑलवेज लेट. गाइज हम लोग निकल रहे थे और यहाँ पे मुझे राबिया और मम्मा ने कहा था कि हम लोग नहीं जा रहे हैं. और गेस व्हाट, सरप्राइज देखा सर यहाँ खड़ी. आप लोगों ने तो आना नहीं था. ओके गाइस, तो यहाँ पे सब फंस फंसा के बैठ चुके हैं. गाइस यस, आर यू गाइस एक्साइटेड? यस, ज्यादा एक्साइटेड. इतनी एक्साइटमेंट मुझे गिफ्ट भी चाहिए, ये भी लेके आई हूं. मैं ज्यादा एक्साइटेड इसीलिए हूँ क्योंकि मैं महीने बाद आई हूं, तो मैं वैसे भी मीटअप की मीट एंड ग्रीट वाली खुशी है. सो लेट्स गो. अब हम लोग फंस फंसा के निकलते हैं. लेट्स गो. जान पूरा को 4 बजे बुला. एक सेकंड, कौन रिकॉर्ड करवा रहा था? इतना लंबा रास्ता के कभी ना खत्म होने वाला रास्ता बना हमारा. दिल कर रहा है बस जल्दी जल्दी चले. पापा अभी यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगा रहे हैं. बाल उजड़ चुके हैं सारे. ये कौन लोग वेट कर रहे हैं? अल्लाह, मुझे लगा मेरी फ्रेंड वेट करी है. वहाँ पे फैन खाया कर रहे हैं.
लेट्स गो। ओके गाइस, सो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। फाइनली बड़े बड़े लोग आए। थैंक यू यार, सच में सो सॉरी गाइस, आई एम सॉरी। और हिराबी के फाइनली सारे दोस्त वगैरह आ चुके हैं। और हिराबी बहुत लेट है इस टाइम पे। और पापा तुम्हारे साथ चम्मच देखने लग गई हो। गाइस, जो बर्थडे का सेटअप है वो कुछ इस तरह से है, और मैं आपको इसके अंदर ही अपनी लुक दिखा देती हूँ। इट इज़ समथिंग लाइक दिस, और ये मेरे उससे वार्डरोब से मैच हो रहा है। मैं तरीके नर्वस हो रही, जैसे मेरा ना पता नहीं क्या होता है। तो बड़ा प्यारा सा सेटअप लगा हुआ है, और यहाँ पे भी हम केक कट करेंगे। ओह माय गॉड, फाइनली इतना क्यूट सा। थैंक यू, थैंक यू सो मच, इतना प्यारा है। थैंक यू बुशरा। यहाँ पे अब सब लोग बैठ चुके हैं फूड ऑर्डर करने के लिए। यहाँ पे फातिमा की अपनी ना बातें शुरू हो गई हैं। हम पहले फूड खाएंगे, खाना शाना खाएंगे। अभी दोस्ती थी फातिमा की और मेरी फ्रेंड्स आई हैं। मेरी भी हैं सारी फ्रेंड्स बेटा। हम पहले खाना खाएंगे फिर केक कट करेंगे। आंटी आप बहुत कमज़ोर हो गई हैं। देखो आंटी करते के स्मार्ट हो गई हैं। स्मार्ट हो गई आंटी, बिल्कुल चीख से स्माइल कर रही हैं। चोला निकल गया आंटी। वाओ, ये देखा। वो कह रहे कमज़ोर हो गई, आप कह रहे स्मार्ट हो गई। यार वो दोनों आपस में बातें कर रही हैं, कंपनी दे रही है ना। मैं अपनी बहनों को इसीलिए साथ लेके आई हूँ, भाई कंपनी दो, आती एक दूसरे को कंपनी दे यहाँ पे सब। सच बताओ मुझे ना सही से होस्टिंग नहीं करनी आती है। उन्होंने कहा कंपनी तो हमें कंपनी का कार्ड दे दी। हाँ नहीं आ रही, एंजॉय योरसेल्फ। नहीं आ रही तो कैमरा रामे को पकड़ा दो, बोंगियां मार देगी चार। रोस्टिंग रोस्टिंग। फाइनली वी हैव फूड, स्टार्टर्स आए, और यहाँ पे ना इनके फूड चल रहे हैं। स्टार्टर्स मंगवाए आप लोग? वो हमें आपका नहीं है ना, किसी और का। अब्बा ये सारे स्टार्टर्स हैं, और ये मामा पापा ने अपना फूड सबसे पहले मंगवा लिया। ये मामा आपकी है, ये है सबका। आई थिंक खाना इतना बड़ी गुजरात घुसते हुए तुम्हें पता है मुझे शदीद भूख लगी। अभी खाते हैं बैठ, इंजॉय करो, इंजॉय इंजॉय। फाइनली यहाँ पे प्लांट में फील। नाइस, गुड आइडिया। ये नहीं खाते, ये वाइब देने के लिए। और फाइनली ये पता नहीं क्या उन्होंने कुछ फ्रोजन समथिंग रखा हुआ है। यहाँ पे देखना आप भी अपनी बातों में बिजी है। कौन सी जो एक महीना बाहर रह के ना, वो सारी बातें इधर ही कर रही है। ओके गाइस, और मुझे ना इतनी ज़्यादा भूख लगी है, मैंने ना अपना शूट बीच में रुकवा दिया कि भाई पहले मैं खाना खाऊँगी एंड देन मैं शूट करूँगी। बस हो क्या है कुछ भी नहीं। मेरी बहन मेरी इधर आ गई है। थैंक यू आमना, ये तो फातिमा को गिफ्ट की पड़ गई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फातिमा की नज़र मेरे गिफ्ट पे है सबसे पहले। तो भाई स्पेशली मेरे लिए यहाँ पे पिक्चर प्रिंट आउट की गई है। हाँ, अभी फ्रेश फ्रेश पिक्चर क्लिक की है थोड़ी देर में। ये इसको ड्राई, इसको कितना टाइम लगेगा सारा? 2 मिनट में ये खुश्क हो जाएगी भाई। फिर मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ, ठीक है? अब फातिमा, ओह माय फातिमा, तुम वैसे बन के क्या आई हो? पहले सारे के सारे सिल्वर कलर की और वो मेरा साथ में बाजी किसने तपड़ी बना ली है। यहाँ पे अब सबका जो है वो खाना आ गया, मेन कोर्स आ गया सबका, सब हो रहा है। अभी हम थोड़ी देर में केक कट करेंगे, और सबको के लिए स्पेशल गिफ्ट्स रखे हैं सबको, वन बाय वन हम वो देंगे। ओके गाइस, सो दिस इज माय केक। पहले मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे लिखा होता है एक्वेरियस बेबी, एंड देन लिखा होता है गिव ग्रेटफुल ग्लो। जो जो मुझे जानते हैं उनको सबको पता है कि मैं ग्लो की दीवानी हूँ, सभी इसलिए मैंने स्पेशल केक पे लिखवाया ग्लो, गिव ग्रेटफुल ग्लो। ये तीनों चीज़ें मुझे डिस्क्राइब कर, ज़्यादा तारीफ नहीं कर दी अपनी मैंने। आज की स्पेशल लड़की है जिसने हमें ढाई घंटे वेट बिल्कुल नहीं करवाई, पर बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत टाइम पे आई हूँ। शादी पे क्या करोगी? ये तो सही यार, गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन दूल्हे भाई को हम कहेंगे आप चले जाएं, हम हीरा को स्पेशल हम डायरेक्टली आप ही करते हैं। उसने कहना ठीक है डन, और कैमरामैन ने डन, टीम्स रेडी होंगे क्योंकि इवेंट तो वैसे सुबह 6 बजे खत्म होगा। हाँ, वो स्टार्ट ही 2 बजे होगा। हाँ सही बात है, वैसे 3 दिन से वेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हमें बर्थडे सेलिब्रेट कर लूँ। आगे की बातें बाद में, ठीक है? अभी आपको मैंने केक दिखा दिया अच्छे से। यहाँ पे सब खाना शाना खा के मम्मा मुझे ऐसे देख रही हैं। गाइस केक कट होने लगे, आ जाए चलो जल्दी, वी डोंट हैव टाइम, बहुत लेट हो गया हम लोग।
मामा इधर भी कॉफी, बाकी कॉफी कॉफी बस बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे हम लोग केक कट करेंगे, ठीक है? हमें शूट वूट चल रहा है, इधर बातें हो रही हैं, एवरीथिंग सब कुछ चल रहा है इधर। देखा सर, अपने फ्रेंड को अपनी सही एज बताओ। तो भाई जो हमारे गिफ्ट थे वो थोड़े से फैमिली वालों को दिए, उन्होंने वापस यहाँ ला के रख दिए। यहाँ पे कुछ गिफ्ट हैं, ये जमा हुए हुए हैं, घर जाके आपको दिखाती हूँ। और अभी अम्मा के साथ मुझे पिक्चर्स लेनी है। और गाइस ये वो पिक्चर है जो मैं कह रही थी कि भाई आपको ड्राई होने के बाद दिखाऊंगी। तो दिस इज समथिंग लुक्स लाइक दिस, सो क्यूट। सबके एक शेक कट करने के बाद यहाँ पे हो रही है गपशप, ठीक है? गपशप लड़ रही है। और यहाँ पे हम लोगों को उन्होंने दोबारा से केक पेस्ट्रीज दी है। उन्होंने कहा कि भाई केक खा लिया, आप दोबारा से पेस्ट्रीज खाएं। तो अब हम लोग यहाँ से फ्री होकर चलते हैं घर। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, मेरे पाँव की हालत इससे बहुत ख़राब हो चुकी है क्योंकि मैंने पहनी हुई हील्स। सब चलते हैं घर और देखते हैं कि आगे क्या आने वाला है। मेरी बहन जो अभी तक शूट करा रही है, यहाँ पे सब ने चीज़ें पकड़ ली हैं। चलो गाइस चलो निकलें। मेरे सारे गिफ्ट मुझे पता भी नहीं चला किधर गए और सब लेके गए। हमारी बहनें ले गई हैं क्योंकि जो हमें जो हमारी एक बहन को गिफ्ट मिलते हैं वो सबके मुश्तरका होते हैं। तो नहीं, ये गलत कहा है किसी ने। यहाँ पे जो गिफ्ट्स मिले हैं वो सिर्फ मेरे हैं, ठीक है? अब देखता हूँ मैं घर जाकर तुम लोग से सबसे गिफ्ट निकलवाती हूँ। और यहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छी थी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। खाना भी बहुत मजे का था, एनवायरमेंट भी बहुत अच्छा था। थैंक यू। अब हम लोग निकलते हैं घर की तरफ। दिमाग काम करता होता तो मैं साइंटिस्ट होती ना। ऊपर जल्दी भी आती, इतना अच्छा शॉट निकलता। अब तो मैंने वीडियोग्राफर को भी घर भेज दिया। चलो कोई नहीं, अगले बर्थडे पे यही करूंगी। यार जितनी लंबी मैंने हील पहनी है ना, मुझे डर है मैं यहाँ से गिर ना जाऊँ। ये मैं क्या देख रही हूँ, तुम्हारी तो शादी हो गई थी, अब तुम हमारी गाड़ी में क्या कर रही हो? चल निकलो यहाँ से। अच्छा मुझे ना सफर करके कैसा लग रहा है, हमारे साथ सफर करके कैसा लग रहा है? शादी होगी तो मेरे पापा की गाड़ी, चलो भागो। तो मैं भी तुम्हें तंग कर रही थी अपने जन्मदिन पे, किसी ने अपनी इतनी बिस्ती जिंदगी। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें ये कहने लगी थी कि तुम कहो कि मैं इनकी गाड़ी में बैठूं, अच्छे लोग हैं ये सुनना चाह रही थी तुम्हारे मुझसे। गाड़ी में बैठी और बहुत अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं, इन्हीं के साथ रह के गई हूं। यहां पे मेरी किसी का रोस्टिंग किया पापा ने, सच में। अब गिरे भाग जा। यहां पे भाई गिफ्ट्स रखे जा रहे हैं अंदर सारे। इधर ही ना भूल जाना, गिफ्ट्स के साथ साथ खाना भी रखा। तो सारे यहाँ पे एडजस्ट हो गए। फातिमा व्हाट इज दिस बिहेवियर? खुले खुले। तो भाई अब हम लोग घर जा रहे हैं, फाइनली घर जाके फ्रेश होते हैं और सोते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम आप ही को ड्रॉप करने आए हैं, ठीक है? पहले होता था, अच्छा आप मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछा था, इसने पापा ने मुझे, पापा ने और आप ही ने मिलकर मुझे रोस्ट किया था। लेकिन अब देखो अपने घर जा रही है, आओ हमारे साथ मैं अपने घर गिफ्ट लेके अपने घर आ रही हूँ। चल ये की ना अच्छी बात। यही तो कहलवाना चाह रही थी मैं। चलो जल्दी आओ, लेट्स गो। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं घर। यहाँ से मेरी अम्मा जो है सारा सामान निकाल रही है, एवरीथिंग। यार मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से गिफ्ट दिए, आप लोगों को देखे बर्थडे पे कोई गिफ्ट नहीं देता, मैंने फिर भी दिए हैं और देखे उनको क्या हाल किया। हाँ मेरे बर्थडे की तब देना मुझे यही वाले गिफ्ट, तो मैं अगेन दूंगी। यार सारी चीजें उठाओ यहाँ से। ज़ैनब नहीं, एक सेकंड, मेरा पूरा बर्थडे गुजर गया। मैंने क्या ही रात में, मैं लास्ट बर्थडे में भी नहीं
सकते हैं आपकी। इसकी बर्थडे पे कुछ ना कुछ होता है और ये मेरी बर्थडे पे नहीं आती हमेशा। हिरापी की बर्थडे 3rd Feb को होती है, 3rd Feb को मेरा इवेंट होता है। देखो इस चीज के लिए जी मैंने प्रैंक किया जनम ने, सच में किया। तुमने प्रैंक किया, इसने प्रैंक क्यों किया कि मैं अपनी दोस्त की तरफ जा रही हूँ, तुम सच में हो लेकिन पाला पोसा नहीं है यार। मैं माफी चाहती हूँ, ये मेरी तरफ से एक टॉबलरोन। ये ना पहले व्लॉग में जो आपकी दे चुकी है, ठीक है। तो मेरा वैसे गिफ्ट निकालो बेटा, गिफ्ट गिफ्ट मैं आपको रियल वाला गिफ्ट चाहिए, रियल वाला स्पेशल कल गिफ्ट दूंगी आपको। प्रॉमिस प्रॉमिस। चलो भाई डन, प्रॉमिस हो गया, मुझे गिफ्ट चाहिए ही चाहिए। तो भाई स्पेशल फातिमा ने मेरे लिए इतना बड़ा जो है ना गिफ्ट पैक किया है, मिस्ट्री बॉक्स पैक किया है। तो अब हम इसको अनबॉक्स करेंगे। तो ये जो मैं आपको गिफ्ट वाली अनबॉक्सिंग करूंगा ना, उसमें दिखाऊंगी कि इसने इसमें क्या रखा है, जो कि मुझे इसने एक सरप्राइज से इतना गंदा दिया है ना, तो मैं अपने व्लॉग में दूसरा अगर गंदा हुआ ना तो थप्पड़ लगाऊंगी सच में। ये गंदा नहीं है। ओके देखते हैं। ओके गाइस, तो आज का दिन बहुत 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 ज़्यादा अच्छा गुजरा और बहुत ज़्यादा गिफ्ट इकट्ठे हुए और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और इन सब चीज़ों के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करने का टाइम हो रहा है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लस डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो।